अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पहली बार मेरा इस लेवल का काला पीपल में कोई कार्यक्रम हुआ है और मन से बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपने यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात भी कही है जी। आप विकास की बात कर रहे थे, यहाँ पे भाजपा के मंत्री हैं, विकास से दूर कैसे रहा हुआ काला पीपल जब मंत्री आपके? विकास से दूर हुआ मैंने कहा ही नहीं, विकास में तो भरपूर हुआ है, पूरे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं है। मैंने जो पिछले 5 दिनों में जो दौरा लगाया, मैं पहली बार आया काला पीपल, लेकिन 5 दिनों में जो दौरा लगाया, हर गांव के रास्ते, बेसिक सुविधाएं मेरे को बताए गए, सारे 3 या 4 बड़ी नदियां इस विधानसभा में आती हैं, उस पर स्टॉप डैम, ऐसे अनेक विकास कार्य यहाँ हुए हैं। तो विकास कार्य में तो कोई कमी नहीं, और ना ही मैंने अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा है कि विकास कार्यों में कमी हुई है। देती है काला पीपल से, तो आप देवास रहेंगे कि काला पीपल रहेंगे? काला पीपल रहेंगे। साथ ही आपने कहा है कि यहाँ पर लोग विभिन्न जाति धर्म में बटे, तो आपका प्रयास है कि सभी को एक किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रयास है कि उन सबको एक किया जाए। उसके लिए हाँ, पूरे एक रात में नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके लिए प्रयास बहुत करना पड़ेगा, विकास बहुत करना पड़ेगा, लोगों के साथ में जनसंपर्क, जीवित जनसंपर्क कंटिन्यूस बनाए रखना पड़ेगा। ये ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो परवरिश में मुझे मिली है संस्कार के रूप में, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का उपयोग करके उस गोल तक, उस मिशन तक पहुँचने का काम करेंगे। तो क्या यह माने कि प्रदेश व केंद्र सरकार से आपको चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी गई? जब तक टिकट की लिस्ट जारी नहीं होती तब तक किसी को हरी झंडी संगठन नहीं देता, उस दिन तक हमें सबको इंतजार रहेगा।